मेरे प्रिय बच्चे, ग्रहों का अध्ययन विशेष स्थान परिवर्तन पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा पर प्रभाव डाल रहा है। ऐसे में इसका प्रभाव तुम पर ना पड़े, यह कैसे संभव है? फरवरी माह में एक साथ तीन ग्रहों ने अपना स्थान परिवर्तित किया। जब सूर्य और शनि एक साथ खड़े हो जाए तब ऊर्जा में भीष्म परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है। मेरे बच्चे, कुछ दिनों से तुम ना चाहते हुए भी तनाव का सामना कर रहे होगे। अपने ही विचारों के जाल में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे होगे। इसी कारण मैं तुम्हें आगाह करने आया हूँ, यह विचार तुम नहीं हो। बार बार स्मरण करो, तुम कोई विचार नहीं हो सकते। अच्छा या बुरा विचार तुम्हारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि यदि तुम बुरे विचारों के जाल में फंस गए तो वह तुम पर हावी हो सकता है। मेरे बच्चे, अभी आवश्यक है तुम अपनी शक्ति सुरक्षित रखो, प्रयास करो अधिक से अधिक शांत रहने का। मैं जानता हूँ विचार तुम पर बार बार प्रहार करेंगे, किंतु तुम्हें इस समय ध्यान का अधिक से अधिक अभ्यास करना होगा। बहुत जल्द ग्रहों की चाल बदलेगी और स्थिति पूरी तरीके से पलट जाएगी। तुम जो चाहते हो वह सब कुछ तुमको अवश्य मिलेगा, किंतु यह तुम्हारी एक प्रकार की आध्यात्मिक परीक्षा भी है। तुम्हें इसमें सफल होकर प्रमाणित करना है कि तुम सच्चे पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, कोई कितना ही प्रयास करे, तुम्हें अब वापस सांसारिक दलदल में नहीं ले जा सकता। तुम जानते हो प्रसन्नता क्या है और कहाँ है? तुम जानते हो यह तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम भली भांति परिचित हो आध्यात्मिक उन्नति से। विश्वास करो और यह संकल्प लो, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं